नॉर्थ ईस्ट से कन्याकुमारी से कश्मीर और लेह लद्दाख से दमन दीव और गुजरात से अंडमान निकोबार से दौड़। ये दौड़ है हौसले की, ये दौड़ है बुलंदियों को छूने की, ये दौड़ है राष्ट्र के सम्मान की, ये दौड़ है इंडियन स्पीड स्टार NYCS गेल रफ्तार। मुझे गेल इंडियन स्पीड स्टार में इसलिए पार्टिसिपेट करना है क्योंकि मुझे ओलंपिक्स में आना है और भारत माता के लिए गोल्ड मेडल लाना। माय आइडल इज उसेन बोल्ट। मेरा आइडल है पीटी उषा, मैं उसी की तरह खेलना चाहती हूँ। मेरा मकसद ओलंपिक पदक। मेरा मकसद ओलंपिक पदक और ओलंपिक मेडल। भारत में प्रतिभा की कमी नहीं, 125 करोड़ का देश, 35 से कम उम्र के 65% नौजवान। क्या हिंदुस्तान खेल की दुनिया में अपना नाम रोशन नहीं कर सकता? प्रधानमंत्री की सोच और प्रेरणा से ओलंपिक में एथलेटिक्स का पदक प्राप्त करने के उद्देश्य से बहुप्रादेशिक युवा सहकारिता संगठन NYCS ने तेल एवं प्राकृतिक गैस की सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी गेल के साथ मिलकर एक अनोखी पहल करते हुए ओलंपिक के लिए नई प्रतिभाओं की तलाश का काम आरंभ किया। जो लक्ष्य इसने पिछले 33 सालों में प्राप्त किया है, युवाओं के साथ जुड़ा रहना गेल का स्वभाव में है। इसी धारणा को आगे बढ़ाते हुए खेल के क्षेत्र में अपने देश की युवा प्रतिभाओं को जोड़ने के लिए गेल ने गेल रफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस देश में टैलेंट है लेकिन इस टैलेंट को प्रॉपर मौका नहीं मिल रहा है। नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसाइटी NYCS गेल इंडिया के साथ मिलकर इस मौके को देश के सामने रख रही है। NYCS के देश भर में फैले युवाओं के मजबूत नेटवर्क और गेल की ऊर्जा शक्ति साथ मिलकर गत 3 वर्षों से इंडियन स्पीड स्टार का सफल आयोजन कर रहे हैं। इस अभियान में इनकी तकनीकी सहयोगी है एंग्लियन मेटल हार्ट। इस कार्यक्रम की सफलता में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और कौशल विकास मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का बहुमूल्य योगदान रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने आशीर्वाद देकर गेल के माध्यम से जो इनको प्रमोट किया है और पैन इंडिया एथलेटिक टैलेंट स्काउटिंग की है, और मैं समझता हूँ ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों का चयन करने का काम जो हमारा खेल मंत्रालय करता है उसमें ये सब लोग सहयोग कर रहे हैं। इस प्रकार के प्रयोग के माध्यम से विशेष रूप से चैंपियन खिलाड़ी उभरेंगे। देश भर में 1,12,000 बच्चे जिसमें भाग लिए थे और उसका फाइनल राउंड अभी चल रहा है और उसमें से 9 खिलाड़ी आज चयन होंगे और उसका हमें पूरा भरोसा है कि ये जीतेंगे और भारत का झंडा और ऊंचा करेंगे। गेल रफ्तार के चयन समिति में उड़न परी पीटी उषा, श्री राम सिंह, रचिता मिस्त्री, अनुराधा विस्वाल, कविता राउत जैसे दिग्गज एथलीटों के अलावा एथलेटिक्स विशेषज्ञ मनीष बहुगुणा, समाज सेवी राजेश पांडे और वी मुरलीधरन भी शामिल। पहले सीजन में फाइनल के बाद 8 बच्चों को प्रशिक्षण के लिए चयनित किया गया। सीजन 1 और सीजन 2 के चयनित 14 बच्चों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग दी जा रही है। उत्कृष्ट और अत्याधुनिक ट्रेनिंग के लिए उन्हें जमैका स्थित बोल्ट एकेडमी रेसर ट्रैक क्लब भेजा गया, जहां प्रसिद्ध ओलंपियन यूसेन बोल्ट की निगरानी में उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। They have been working very hard since I've landed here in Jamaica.
and they are also very eager to learn all the new technique that is required for sprinting. कैसे वार्म अप करना, कैसे वार्म डाउन करना, क्या एक्सरसाइज पे फोकस करना, बैक स्ट्रेंथ, स्टमक स्ट्रेंथ, लेग स्ट्रेंथ कितनी जरूरत है उसको सिखाना, टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस. ये जो हुसैन बोल्ट की अकेडमी में हमारा कैंप चल रहा है और वहाँ से यहाँ हमको काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए मिली है. मैं गेल को और पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगा. इंडियन स्पीड स्टार गेल रफ्तार दिन पर दिन बेहतर और विस्तृत होता जा रहा है, जिसका प्रमाण है सीजन 3. 120 नोडल जिलों पर आरंभिक प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की गई, जिनमें देश के 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित जिलों के 1,24,000 बच्चों ने भाग लिया. इस सीजन की सबसे बड़ी विशेषता रही कि उत्तर पूर्वी 7 राज्यों के 6,717 बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जिनमें सिक्किम के भी बच्चे शामिल हैं. यही नहीं, 28 नक्सल प्रभावित जिलों से भी बच्चों ने इन प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया. कुल 230 बच्चों का चयन अगले दौर के लिए किया गया. फाइनल के लिए चयनित बच्चों को दिल्ली में विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है. गत सीजन्स की तरह देश को कुछ और भविष्य के ओलंपियन मिलने की संभावना है. आइए हम मिलकर ले में उनका उत्साह वर्धन करें. आने वाले ओलंपिक्स में हम अवश्य ही कोई ना कोई पदक हासिल करके अपना और राष्ट्र का नाम ऊंचा करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो खेलो इंडिया का मूवमेंट है उसको और आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे. मैं इन सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और उनके आने वाले उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ. दुनिया को रफ्तार दिखाएंगे, दूर गगन है उसको छू कर आएंगे, ओलंपिक जाएंगे.